स्प्रिंग किसी इलास्टिक सब्सटेंस का बना होता है, हमारे हाथ में स्टील की एक स्प्रिंग है, काफी लंबी स्प्रिंग है। इसको हम इस चेयर पर रख के देखते हैं, आप देखना यहाँ पे, इसको हमने ऐसे रखा ठीक, और यहाँ पे रखने के बाद अब इसको उठा के हम हाफ पोर्शन इसका नीचे रखते हैं। आप देखिए किस प्रकार से स्टीयर अपने आप खुद ही नीचे उतरता हुआ चला जा रहा है। आपने देखा हमारा स्प्रिंग सीढ़ी उतरते उतरते नीचे तक आ गया। जानते हो ऐसा क्यों? जो हमारा स्प्रिंग है वो स्टील का बना हुआ, और स्टील एक प्रकार का इलास्टिक सब्सटेंस है, इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। हाफ पोर्शन जब उठा के हमने यहाँ पे ऐसे रखा, तो रखते ही आपने देखा यहाँ पे, आप जानते हो स्प्रिंग का हाफ पोर्शन जब उठा के हमने नीचे रखा, तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण बाकी कड़ियां भी चलते चलते आपका यहां तक आई। और जब इसका लास्ट वाला पोर्शन यहां पे आने को हुआ, तो क्योंकि गतिमान था, डायनेमिक कंडीशन में था, तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ये यहीं पे नहीं टिक पाया, ये आगे निकल गया। और जब ये आगे निकल गया, प्रोसेस फिर आपका इस प्रकार से आरंभ हो गया, और इस प्रकार से जो हमारी स्प्रिंग थी वो आपका पूरी सीढ़ी को पार करते करते बिल्कुल सदे कदमों से नीचे आ गई। और केवल दो चार नहीं, जितनी भी सीढ़ियां वहां पे होती ये नीचे उतरता हुआ बिल्कुल नीचे ही दिखाई पड़ेगा।